रामदेव जी का सामान खरीदना बंद कर दें, पतंजलि के प्रोडक्ट लेना बंद कर दें और इनकी दुकान बंद करके इनका डब्बा गोल कर दें। इनको बताएं कि हम कितने ताकतवर हैं। और जल्द ही जो है जो उन्होंने किया वो बर्दाश्त योग्य नहीं है। वो क्या कहते हैं, पैरे साहब को वो जूते मारेंगे, हम आपके खिलाफ FIR कराएंगे। और रामदेव जी का बयान सुना, और रामदेव जी को बाबा साहब और पैरियर साहब से बड़ी दिक्कत है। पैरियर साहब पाखंडवाद के खिलाफ थे और ये वैज्ञानिक युग है और इसमें पाखंडवाद नहीं चलेगा। ये देश बाबा साहब संविधान चलता है, उन्हें बाबा साहब के संविधान से भी उनके चेलों से भी दिक्कत है। तो अगर रामदेव जी को ऐसी दिक्कत है, बाबा साहब के संविधान को तो पूरा देश मानता है, तो वो एक काम करें, वो देश छोड़कर चले जाए। ये दुकान जो अपनी वो चला रखे, बिजनेस जो चला रखा, हम ये जानते हैं किसके सारे पे सब चीजें बोली जा रही है। ये दुकान तब चलेगी जब सरकार इसको चलने की इजाजत देगी। सरकार के सारे पे, संघ के सारे पे जो बोला जा रहा है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना बहुजन महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त किया जाएगा। तो रामदेव जी से मेरा इतना ही कहना है कि वो अगर उनको बाबा साहब चेलो दिक्कत है तो देश छोड़कर चले जाए, कहीं और जाके बस जाए। और मैं अपने समाज से अपील करूंगा कि रामदेव जी को बताएं कि बहुजन विचारक जो है, बहुजन विचार कितनी तेजी से बढ़ रहा है, अम्बेडकर वाद कितनी तेजी से बढ़ रहा है, और ये दुकानें आपकी चल रही हैं, ये जो बिजनेस आपका चल रहा है, मैं अपने लोगों से अपील करता हूं कि वो रामदेव जी का सामान खरीदना बंद कर दें, पतंजलि के प्रोडक्ट लेना बंद कर दें और इनकी दुकान बंद करके इनका डब्बा गोल कर दें। इनको बताएं कि हम कितने ताकतवर हैं। और जल्द ही जो है जो उन्होंने किया वो बर्दाश्त योग्य नहीं है। वो क्या कहते हैं, पैरे साहब को वो जूते मारेंगे, हम आपके खिलाफ FIR कराएंगे। और जल्दी जो है आपको जेल भेज के आपको बताएंगे कि यहाँ ये देश जो है ये ब्राह्मणवाद से नहीं चलेगा, ये संविधान चलेगा। संविधान में जो है आप गलत करोगे तो आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। जय भीम, जय भीम आर्मी।